प्रदूषण के लिए सरकार खुद जिम्मेदार, जनता पर पाबंदियां और खुद को नियम तोड़ने की आजादी, यहां एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही करेंगे। दिल्ली में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण एकदम बढ़ने लगता है। मौसम में बदलाव इसकी एक बड़ी वजह है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मौसम में भारीपन के कारण धूल का गुबार नीचे ही रह जाता है। ऐसे में गाड़ियों का धुआं, सड़कों की धूल, पराली और ठंड के कारण जलने वाले अलाव मिलकर वातावरण को दमघोटू बना देते हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के भी पार हो जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक और खतरनाक है। PM 2.5 और PM 10 यानी धूल के महीन और मोटे कण सीधे फेफड़े पर हमला करते हैं। पराली के धुएं से सांस उखड़ने लगती है। ऐसे में सरकार कई उपाय करने का दावा भी करती है। विंटर एक्शन प्लान घोषित किया जाता है, जिसके तहत निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए जाते हैं। किसान पराली न जलाए, उन्हें इसके लिए जागरूक किया जाता है और सरकार नगद और तकनीकी सहायता भी देती है। सड़कों के किनारे पड़ी मिट्टी को हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और निर्माण पर भी रोक लगा दी जाती है। यहाँ तक कि दिवाली पर पटाखे जलाने पर भी बैन लगा दिया जाता है। पटाखों की बिक्री, भंडारण, बेचने, खरीदने और चलाने पर भी पाबंदी, और दिल्ली में हजारों किलो पटाखे बरामद किए जा चुके हैं। CCN बैठक में हमने इस बार अपने दर्शकों से यही पूछा है कि क्या सरकार वास्तव में प्रदूषण के प्रति गंभीर नजर आती है या फिर सारी घोषणाएं हवा हवाई हैं। दिल्ली में मौसम का मिजाज जैसे ही बदला है, दिल्ली का पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 350 के पार पहुंच चुका है। आज हम बैठक में पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, खासकर उन एरिया में जाएंगे जहाँ ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जहाँ पॉल्यूशन होने की वजह से लोगों को दिक्कत भी हो रही है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ आनंद विहार इलाके में। ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है। मैं पीछे की तरफ अगर दिखाना चाहूँ आपको, ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये फ्लाईओवर जो है दिलशाद गार्डन से आनंद विहार को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। पहले लेते हैं आनंद विहार के पास बन रहे दो फ्लाईओवर। गाजीपुर से अप्सरा बॉर्डर तक के रास्ते को सिग्नल फ्री करने के लिए दो फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इनका निर्माण कई महीनों से चल रहा है। इस दौरान वहां इतनी धूल उड़ती है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। यही नहीं, पुल के निर्माण के कारण घंटों जाम भी लगता है, जिससे गाड़ियों का धुआं हवा में जहर घोलता है। लेकिन इसकी किसी को चिंता नहीं है। जनता का कहना है कि आनंद विहार दिल्ली के सबसे प्रदूषित स्थानों में से एक है। यहाँ जो स्थिति है उसमें सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। सरकार प्राइवेट बिल्डरों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम में सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। यहाँ तक कि पानी का छिड़काव भी नहीं किया जाता। लंबे जाम में फंसकर लोग सांस की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आनंद विहार प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का है, तो दूसरी तरफ गीता कॉलोनी पुस्ता पर बन रहा ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा सहारनपुर हाईवे बनाया जा रहा है। गांधीनगर पुस्ते के आसपास के लोगों का कहना है कि अक्टूबर के बाद जिस तरह प्रदूषण बढ़ता है, इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस तरफ सोचा भी नहीं। यहां 24 घंटे धूल उड़ती है और यहां भी पानी का छिड़काव नहीं किया जाता। लोग इस पॉल्यूशन के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। आसपास के लोगों का दम घुटता है और वे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यहाँ धूल बहुत उड़ती है, सॉरी बस सांस का प्रॉब्लम हो रहा है धूलिया से। ठीक है, इसमें ना कभी पानी मरा रहा ना कुछ मरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। ये जब से काम हो रहा तब से उड़ रहा है। एक बार पानी मारा जाता है, दिन में नहीं आता। एक बार भी पानी नहीं मारता है। आपका सामने देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए। धूल तो भाई साहब बहुत उड़ती है, रामप्रस्थ है जी। नहीं, कभी कभार आता है तो आता है, नहीं आवे तो नहीं आवे, चार छः आठ दिन में। धूल तो उड़ते हैं, बहुत दिक्कत, सांस लेने में प्रॉब्लम है। कदम तो अभी नहीं उठा रही, लेकिन उठाना चाहिए इनको। ये धूल के बारे में छिड़काव करना चाहिए, सुबह शाम दोपहर भी तीन टाइम कम से कम। और इलाके में तो फिलहाल कम है, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी है। धूल की वजह से हाँ बहुत प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति का प्रॉब्लम है सांस लेने में। धूल के कारण कभी सांस लेने में दिक्कत हो जाते हैं। अगर रात में सोते हैं तो कभी काल बलगम आते हैं, उनके साथ थोड़ा इनकी कण बन के निकलते हैं, बहुत सी परेशानी झेलना पड़ रहा है। पानी तो देखता हूं, कभी काल देखता हूं, लेकिन इधर मैं अभी नहीं देख रहा हूं। धूल मिट्टी से परेशानी क्यों नहीं होती? सबको ही होती है, आपका
बहुत ही परेशानी होती है धूल मिट्टी से, डस्ट बड़ा उड़ता है, नाक पे जाता है, इससे बीमारी लगने का डर है, छिड़काव भी कम हो रहा है पानी का छिड़काव कम होता है। हाँ तो बरसात होती है तभी होता है, अपने आप ही ऑटोमेटिक धूल उड़ता है और धूल से नाक से परेशानी है जिसे, वो बीमार पड़ जाता है जी, तो इसकी सफाई और पानी छिड़काना चाहिए। अच्छा आपका मुंह नहीं आ रहा है, धूल में रहते हैं, क्या पानी का छिड़काव होता है, देखा जाता है पानी का छिड़काव होता है, नहीं होता है? पानी का छिड़काव होता है लेकिन कभी कभी होता है, धुआं पोल्यूशन ज़्यादा है मिट्टी का भी और गाड़ियों का भी। कौन से इलाके में? ये पूरा एरिया भी शाम के टाइम ना ये पूरा धुआं धुआं हो जाता है। कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या इलाके का नाम चाहिए? ये दिलशाद गार्डन सादरा आनंद विहार पर देखा, यहाँ तो देखा नहीं कभी आज तक। ये हमारे ये बॉर्डर से आनंद विहार तक जो क्षेत्र है यहाँ पे पानी गाड़ी नहीं आती, आनंद विहार से उधर गाड़ी जाएगी, सीमापुरी से उधर गाड़ी जाएगी। परेशानी तो है, यहाँ धूल भी होती है, जाम भी होता है, लोगों को परेशानी बहुत सारी है। शाम को तो इतना देखो ट्रैफिक, ये यहाँ से लेकर आनंद विहार तक लेनी लगी रहती है। मेरे हिसाब से तो अच्छी खासी जो नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल तो है नहीं, अबाव नॉर्मल ही है, क्योंकि फीलिंग तो हो ही रही है कि इसके अंदर है। अब मेरे पास कोई मीटर तो है नहीं कि मैं आपको बताऊँ। धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है उसकी वजह से पोल्यूशन है, और पानी डालते नहीं है, पानी डालते हैं तो शाम को ज़्यादा पोल्यूशन होता है और ट्रैफिक भी ज़्यादा जाम लगता है यहाँ पे। हाँ धूल ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे, क्योंकि ये फ्लाई ओवर बनने के बाद बहुत ज़्यादा धूल हो गई है यहाँ पे। दो जगह डाले तो सही है, ये एक दिन डालते हैं फिर चार दिन बाद डालते हैं फिर पाँच, ऐसे मतलब गैप डालते हैं। पोल्यूशन सबसे ज़्यादा धूल की है और जाम भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगने लग गए यहाँ पे। है ना, ये बंद होना चाहिए सबसे पहले, यहाँ पे ये कट बंद होना चाहिए, जो किसी को जाने के वजह कोई भी घुसा देता है जाम, ये बंद होगा ना आगे से यूटर्न मार के आए बत्ती से तो उतना जाम नहीं लगेगा। और ये धूल क्या कारण? धूल के कारण ये है कि पानी डाले, अगर जो गवर्नमेंट अगर जो चाहे तो सही से सफाई हो, ये पानी के छिड़काव डेली हो तो इतना जाम नहीं लगेगा। अब बात करें जगतपुरी की, तो वहाँ की स्थिति खुद दिल्ली नगर निगम ने पैदा की है। आमतौर पर नालों की सफाई का काम मानसून के पहले होता है, लेकिन वेलकम से जगतपुरी तक आने वाले चौड़े नाले की गाद इन दिनों निकाली जा रही है। यह गाद तब तक नहीं उठाई जाती जब तक यह पूरी तरह से सूख नहीं जाती। इस दौरान आने जाने वाले गंदगी के तो शिकार होते ही हैं। जब यह गाद धूल बनकर लोगों के फेफड़े में जाकर जमती है तो वे निश्चित रूप से बीमार होते हैं। जनता का ये भी सवाल है कि जब यह सर्वविदित है कि इस मौसम में प्रदूषण बढ़ता है तो फिर किसने इस मौसम में नाले की गाद निकालने के आदेश जारी किए? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। गाद से बनी यह धूल और भी खतरनाक है क्योंकि यह नाले की गंदगी वाली धूल है। लोग हैरान परेशान हैं कि सरकार ही प्रदूषण पर नियंत्रण की बात करती है, पाबंदियां लगाती है और सरकार ही खुद प्रदूषण फैला रही है। सरकार के गलत रवैये के कारण जनता की जान खतरे में पड़ रही है। क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट दोषी सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं, आप खुद देखिए कि स्कूल गोइंग चैनल्स हैं वहाँ से ट्रेवल करते हैं आप, अगर उस तरफ देखेंगे इतना कूड़ा निकाल के पड़ा हुआ है, वो डस्ट उड़ती है, सूख चुका है, वो उठा नहीं है। और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अस्थमा पेशेंट्स हैं, आप देखिए इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है, अस्थमा पेशेंट को डे बाय डे ये दिक्कत हो रही है। नॉर्मल लोगों को देख लीजिए, हम जैसे हैं, उनको खांसी इतनी हो रही है, थोड़ा सा ट्रैवल करते एकदम सांस फूलने लग जाता है, ये किस वजह से हो रहा है? ये रीजंस यही है क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है और इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है कि इसे कैसे कम किया जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हम इसको नोटिस करें और इस पर कैसे कम करें, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी बनता है। इस एरिया में बहुत इंडेक्स है, आप देखिए यहाँ पे इतना पोल्यूशन है, बाकी एरिया में जाके देखिए बहुत डिफरेंस है। सालों से ये पोल्यूशन चल रहा है, पहले पंजाब से आता था सारा, पराली जलती थी तो यहाँ पोल्यूशन आता है, ये बोलते थे हम क्या करें इसमें। अब पंजाब में उनकी सरकार है तो अब वहाँ से पोल्यूशन आना बंद हो गया। अब सोचिए क्या बुरा हाल है दिल्ली का कि सांस लेना मुश्किल है। मेरे अपने घर में मैंने अपने रूम में एयर प्योरीफायर लगा रखा है जो रात भर चलता है, तो लाइट लगती है ना जिसमें, मतलब फाइनेंशियली भी बुरा हाल लोगों का, सांस लेना दुश्वार हुआ पड़ा है। अभी नाला, बड़ा नाला इन्होंने साफ़ किया है जगतपुरी मेन रोड पर, आपने साफ़ किया, अच्छा किया, लेकिन उसको उठाओ ही तो सही। अब वो सूख के इतनी ज़बरदस्त धूल उड़ती है वहाँ पर,
कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बस स्टैंड है वहाँ पे, लोग कैसे बस में वेट करते होंगे आधा आधा घंटा वहाँ खड़े हो गए, तो उन्होंने तो मरने की हालत कगार तक लोगों को बचा दिया केजरीवाल ने। पार्क के लिए आप देख लीजिए, एमसीडी में आपकी सरकार है तो क्या कर रहे हैं पार्कों के लिए आप? क्या पार्कों में घास है? पार्क आदमी जाएगा, चल एक सांस लेता, अच्छा बढ़िया सा माहौल मिले, लेकिन वहाँ पार्क में घास है ही नहीं, क्योंकि ना माली है आपके पास, ना मोटर ठीक करवा पा रहे हैं आप, तो क्या कर पा रहे हैं? पार्क में वही धूल मिट्टी उड़ती है, कहाँ जाए लोग? ये सिस्टम की कमी है, इन्हें टाइम से पहले कर लेना चाहिए था। इन्हें पता लगता है सर्दियां जब आती हैं तो पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो अब ये काम 4 महीने पहले कर लेते ना, पहले नाले सफाई करते, सफाई कर लेते, सब कुछ कर लेते, लेकिन नहीं। हाँ ये इतने ये काम जरूर करेंगे केजरीवाल जी, बड़े बड़े होर्डिंग लग जाएंगे आजकल से, और इनके जो वर्कर हैं पेड वर्कर हैं वो उनको पैसे दे देंगे, चौक पे खड़े हो जाएंगे, रेड लाइट बंद कीजिए, ये कीजिए। अब चार चार लोग वहाँ, पाँच पाँच लोग खड़े करके पैसे की बर्बादी कर रहे थे, उससे पोल्यूशन कम हो रहा है? आपके कहने से पोल्यूशन कम हो जाएगा या आपके होर्डिंग लगाने से पोल्यूशन कम हो जाएगा? ऑन द ग्राउंड क्या काम कर रहे हैं अब ये तो बताइए, इतने साल में कुछ काम नहीं कर पाए हैं ये ऑन द ग्राउंड, और दिल्ली रहने लायक ही नहीं रह गई भाई। सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था देखनी चाहिए, सड़कों पर पहले वो चलती थी पानी छिड़कती थी स्प्रिंकलिंग वाली गाड़ियाँ, वो आजकल नहीं चल पा रही हैं। कम से कम जो मेन रोड हैं, जैसे ये वाली रोड या जिस पे आप नाम ले रहे थे जगतपुरी वाला रोड, तो कम से कम वहाँ दिन में 2 बार वो चल जाए तो थोड़ी मिट्टी बैठ जाए, कुछ नहीं है। पार्कों में आते थे लोग, प्रेशर से पानी छिड़का जाता था बड़े बड़े पेड़ों पर और सड़कों पर, कि चलो मिट्टी थोड़ी सी बैठ जाए, ऐसा कोई कदम है ही नहीं, कहीं वर्किंग नजर ही नहीं आ रही बिल्कुल। सीनियर सिटीजन हो, आम जनता हो, बच्चे हो, हर एक ने सांस लेना है, जो भी जीव है उसे सांस लेना ही लेना है। और जहाँ डस्ट होगी बट नेचुरल है कि आपके फेफड़ों में जाएगी, तो दिक्कत तो है ही है, तकलीफ है, कष्ट, और जो जिनको पहले से ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए और बढ़ जाती है, सांस लेना दुर्बर हो जाता है। तो ऐसे में सरकार को कदम उठाने चाहिए, अगर कूड़ा निकाला है तो उसकी व्यवस्था एकदम साथ के साथ उठाने की होनी चाहिए, और अगर डिले है तो उसको स्प्रिंकलर करके डस्ट को बिठाया जाए जिससे कि वो उड़े नहीं, और सबसे बात तो बढ़िया यही है कि उसे सफाई हाथ के हाथ की जाए। डिले का कारण क्या हो सकता है? देखो गाड़ियों वाले तो फिर भी बच जाते होंगे क्योंकि उनके एसी लगे हैं, गाड़ियों के शीशे बंद हैं, पर जो स्कूटर पे, ई रिक्शा पे आम जनता जो चलती है, या मतलब जो ट्रांसपोर्ट ओपन ट्रांसपोर्ट्स हैं, उनको तो डस्ट झेलनी पड़ती है पूरी। डस्ट से तो बट नेचुरल है कि भाई सांस, जिसको दिक्कत है सांस के, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो आपको दिक्कत है ही बीमारी की। मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन दिल्ली का 2 है, एक डस्ट पोल्यूशन, दूसरा है व्हीकुलर एग्जॉस्ट पोल्यूशन। डस्ट पोल्यूशन का एक अल्टरनेटिव यही है कि स्प्रिंकलर्स इस्तेमाल करे जाएं कि डस्ट उड़े नहीं, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो हर कंस्ट्रक्शन साइट में 1 बार 2 बार दिन में पानी छिड़का जाए जिससे कि वो डस्ट उड़े नहीं। दूसरा व्हीकुलर एग्जॉस्ट का यही है कि व्हीकुलर मैनेजमेंट हो, कम से कम लोग पब्लिक मतलब अपना ट्रांसपोर्ट कम से कम निकालें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें, कंजेशन ऑन रोड पर रोका जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट हो जिससे कि सड़कों पर जाम ना लगे, और जाम नहीं लगेगा तो व्हीकल जल्दी ट्रांजिट होंगे तो पोल्यूशन कम होगा मेरे हिसाब से। पोल्यूशन से दिक्कतें तो हैं, और खासकर जो बिल्कुल छोटे बच्चे और खासकर जो बुज़ुर्ग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि एज वाइज अगर पोल्यूशन उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को अलग अलग कदम, जैसे सफाई, जैसे नाले पे गंदगी बाहर इतनी है उसकी सफाई हर तरीके से और होनी चाहिए, साथ साथ उठाई जानी चाहिए। जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रही हैं उन पे जो उनकी वजह से धूल मिट्टी वगैरह सब उड़ती है वो भी रोकी जानी चाहिए। सर देखिए, जहाँ भी कूड़ा मलबा कुछ निकलेगा इस प्रकार का या कुछ भी ऐसा निकलेगा, तो उसका यह है कि उसका सोल्यूशन ये है कि हाथों हाथ उठना चाहिए, ये नहीं कि 15-15 दिन 20-20 दिन पड़ा रहे। तो ठीक है सफाई हुई है, मानता हूँ सफाई हुई है, लेकिन हाथों हाथ 1-2 दिन बाद उड़ जाना चाहिए ताकि आम जनता को किसी प्रकार की उसमें परेशानी ना हो, ना ही कोई गंदगी फैले। और यही इसी प्रकार के छोटे 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 सॉल्यूशन से प्रदूषण और लोगों को आराम मिल पाएगा। सर देखिए, ये तो सरकार के ऊपर सारा निर्भर है कि वो कब उनको AQI इंडेक्स कैसा रहेगा, क्या है, किस प्रकार से बंद करेगी। हालांकि हर बार सरकार करती है, वो नवंबर दिसंबर के एंड में जाके करती है, लेकिन ये है कि हाँ उसके चलते थोड़े दिन के लिए बंद करी जा सकती है, जैसे सरकार को ठीक लगे करी जा सकती है बिल्कुल, शायद उससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़े उस पर। बैठक में आज हम पॉल्यूशन को लेकर पूर्व दिल्ली के अलग अलग इलाके में गए। इस टाइम भी हम गांधीनगर पुस्ता पर मौजूद हैं। मैं पीछे की तरफ दिखाना चाहूँ, यहाँ भी पुल के को लेकर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ अमूमन पूरे दिन धूल उड़ती रहती है जिससे काफ़ी पॉल्यूशन होता है। यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों ने कहा कि यहाँ धूल की वजह से काफ़ी पॉल्यूशन है, और ख़ासकर इस इलाके में उनका कहना था कि इस इलाके में बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो
यहाँ पॉल्यूशन इतना है कि उन्हें सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से बच्चों को बीमारियां हो रही हैं पॉल्यूशन की वजह से। जिस हिसाब से दिल्ली का पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रशासन को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। देखिए, जिस हिसाब से जो हमारी निकम्मी सरकारें हैं, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार मोदी सरकार और दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार, दोनों ही सरकार हमेशा विफल रही हैं हर नीतियों के अंदर। और इसका सबसे बड़ा एक जो हमारा जो कारण है, एक पोल्यूशन का भी आ जाता है सर्दियों में। जब भी ये अक्टूबर नवंबर का महीना शुरू होता है, पोल्यूशन अप होना शुरू हो जाता है। आप देखिए, पंजाब में जो सरकार है इस टाइम पे आम आदमी पार्टी की है, पराली आज भी जल रही है, किसानों की पराली जल रही है। उस टाइम पे केजरीवाल बड़ा डोंग करके गए थे, ये केमिकल आया है, पराली जलाने की जरूरत नहीं है, खेतों में डालो, इससे खेत को भी नुकसान नहीं होगा, पराली भी जलाने की जरूरत नहीं है, खाद बन जाएगी, ये हो जाएगा, 10 तरह की चीज़ें केजरीवाल जी ने झूठे पुलिंदे बोले। लेकिन आज के उनके झूठ का पुलिंदा आज काम नहीं आ रहा उनके। सरकारें ऐसी नहीं चलती, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, सरकार को आगे कदम बढ़ा के एक दूसरे से लड़ाई ना करके पब्लिक के हित में सोचना चाहिए। जब पब्लिक आपको वोट दे रही है तो सोच समझ के दे रही है, बहुमत से दे रही है, तो आप भी उस पर खुद खरा उतरिए। आप देखिए, आज हमारे यहाँ पर पुल बन रहा है, ये नितिन गडकरी जी के अंडर में आता है भाजपा सरकार के, और ये देखिए यहाँ पर कितनी मिट्टी गिरी हुई है, मिट्टी ऊपर जाओ उतना पोल्यूशन है मिट्टी का। एक छोटा सा बच्चा देखिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, बच्चा, इसको सांस लेने में दिक्कत है। एक बड़ा बुजुर्ग जिसको सांस की प्रॉब्लम है, उसको इतनी बड़ी दिक्कत है। ये चीज़ें सरकार को सोचनी पड़ेगी, आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी देखिए इस टाइम पर आज का जो हमारा पोल्यूशन है 350 है, और 250-200 पोल्यूशन बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये चीज़ सरकार को बिल्कुल सोचनी चाहिए, और बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और इसके कारण कई बंदे को बीमारियां हो रही हैं, कई बंदे बीमार हो रहे हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं, बहुत बड़ी चीज़ है ये। चीज़ को लेकर सरकार को कोई ना कोई कदम उठानी चाहिए, दोनों को आपस में आरोप ना लगा के। आप आम आदमी को छोड़ दीजिए, एक स्वस्थ इंसान को छोड़ दीजिए, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अस्थमा पेशेंट्स हैं, उनकी क्या हालत हो रही है वो आप देखिए। पराली जलेगी, अब उसके साथ क्या पोल्यूशन बढ़ेगा। अभी जो ये दिवाली का आ रहा है त्यौहार, इसके ऊपर भी जितना मर्जी इन्होंने ग्रीन पटाखों का लगाया या पटाखे बैन करें, उसके बावजूद भी लोग पटाखे चलाते ही हैं। तो ये सरकार की विफलता है ना, ये सरकार तो कामयाब हो नहीं पा रही है। ये केजरीवाल सरकार के वादे बहुत थे, पहले तो ये बहुत खांसते थे, अब इनको खांसी नहीं आती। जब पोल्यूशन बढ़ गया, जब पोल्यूशन इतना नहीं था तब इनको खांसी बहुत आती थी। तो अब इन सब चीज़ों को करने के लिए केजरीवाल सरकार कर क्या रही है, कुछ भी नहीं। एक दूसरे से मिलाएंगे, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, तो कुछ ज़रा फ़र्क तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, हवा से तो हर जगह घूमना ही है। तो इसमें तो ये जो इनका व्हीकल कंट्रोल एक्ट है, जो उन्होंने इवेंट आउट किया था, वो नहीं चलाते पहले, उससे तो वो पोल्यूशन कम करने की बात हुई थी, वो भी इनका फेल हो गया। अब इनके पास कोई ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई इनके पास आइडिया कि जिससे पोल्यूशन कम सके, क्योंकि ये सरकार चलाने में तो बिल्कुल फेल है। तो करेंगे क्या ये, अब लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो होती रहेगी। पुस्ते के ऊपर मिट्टी उड़ेगी, लोगों के घर तक जाएगी, पोल्यूशन है, जो ये व्हीकल्स चल रहे हैं जिनके अंदर पोल्यूशन, जो इनको करावा मिल जाता है सेटिंग के साथ, लोगों को 50-60-70 रुपये में पोल्यूशन हो जाता है, लेकिन गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही है, हमें दिख रही है, हमने कितनी बार वीडियोज़ बनाई हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भेजी भी है, कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लोग देख रहे जा रहे हैं, पोल्यूशन हो रही है स्कूटर का, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कानून सख्त नहीं है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, और ये करना भी चाहिए सरकार को, और ये चीज़ ज़रूरी भी है बहुत। ये सब पोल्यूशन से, इससे गाड़ियों से ही नहीं होगा, गाड़ियों को हर इंसान को अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। और सबसे बड़ा जो सरकार को भी देखना पड़ेगा कि वो किस मुद्दे को किस ढंग से करे, पब्लिक को ना परेशान करके, और इस चीज़ का सलूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। पटाखों से सिर्फ एक बताइए, हमारे धर्म के जो हिंदू धर्म के हम लोग हैं, सब पटाखे सब हम लोगों के लिए ही हैं, ठीक है ना। पटाखों का त्यौहार समझो, हम लोगों के कारण ही बैन हो रहा है हमेशा, हमारे त्यौहारों को भी हमेशा बंदिशें क्यों दी जा रही है इनके। उसमें सरकार की विफलता है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी विफलता को करने के लिए किसी न किसी मुद्दे को उठाना है। सरकार को पराली का जो भी है, जाके आप खुद, आपकी पंजाब में सरकार है, किसानों से आप बात करिए, आप पराली मत जलाइए, हरियाणा में बात करिए, बीजेपी की सरकार है, ये तो है नहीं वहाँ पर कांग्रेस बैठी तो कांग्रेस ये करवा रही है। कहीं ना कहीं आपस में इन लोगों सरकारों को एक दूसरे से मनमुटाव भुला के, एक दूसरे की खींचतानी छोड़ के बैठ के इनको तीनों मुद्दों, लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं। सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है, ठीक है ना। आप देखो, इनके मंत्री सारे जेल में, अगर इन्हें आम पब्लिक की इतनी ही चिंता होती तो सख्त कानून किए जाते। एक के साथ एक शराब ना मिलती। कारखानों का देखो, सारा जितना भी पानी है गंदा, जितना भी डस्ट है या जो भी गंदा है, सब नदियों में जा रहा है। हमारी यमुना माई, जिसे हम मैया का दर्जा देते हैं, उनका हाल देखो। जहाँ भी छठ पूजा होनी है, अभी देखना आप, छठ पूजा के ही
दौरान बीजेपी और ये आपस में लड़ते मरते नजर आएंगे। जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हैं, जाना दूभर है और इतनी डस्ट है और आप भी खड़े हो और हम भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं, सांस लेना कितना मुश्किल है। स्वस्थ इंसान के लिए इतनी परेशानी है तो जो बेचारा बुजुर्ग है, बच्चे हैं, जिनको अस्थमा प्रॉब्लम है, जो बीमार हैं, किसी भी बीमारी से एडिक्ट हैं वो लोग, तो उनके साथ क्या हो रहा होगा आप वो सोचिए। एक स्वस्थ इंसान कह रहा है कि पोल्यूशन में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो उन बेचारे बुजुर्गों का क्या हाल हो रहा होगा। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी का छिड़काव बहुत कम किया जाता है। बैठक में हम अलग अलग एरिया में गए, हम गांधीनगर भी आए, हम आनंद विहार गए, हम जगतपुरी के एरिया में भी पहुँचे। वहाँ सभी जगह लोगों का यह कहना था कि पॉल्यूशन दिल्ली का लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार लगातार पॉल्यूशन कम करने के बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन उसमें विफल नज़र आ रही है। कैमरामैन नवीन के साथ एहरार चौधरी, CCN।